अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। यहाँ पे सुबह बड़ी तेज़ बारिश हुई है, तकरीबन 4:30 बजे सुबह, दीदा को पता ही नहीं, इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी ठंडी हवा थी। तो अब कहर की बार धूप निकली, इतनी गर्मी है ना, बस पूछे ही ना। तो सुबह अचानक ही हुई है, इधर लीदा सफाई कर रही है, तो भाभी उठी, नाश्ता बनाई, मैंने ना हांडी रखी है पकने के लिए, आलू कीमा कीमा चढ़ा दिया मैंने, सारे मसाले वगैरह डाल के। मम्मी आलू लेने गई है क्योंकि साबर की दुकान बंद थी, वो लगता है अपनी बेटी के घर चला गया, सब्ज़ी वाला है ना, उससे हम सब्ज़ी लेते हैं, तो वो आज है ही नहीं, वो लगता है गाँव चला गया। और मम्मी को भेजा आलू लेने के लिए। तो बस जैसे जैसे रूटीन है हमारी, शेयर करते रह जाएंगे, गर्मी की वजह से जितनी भी बनती है उतनी ही शेयर करते जाएंगे। मुँह धो रही है, नाश्ता बना ली था, हाँ नाश्ता बन गया, वसीम भाई बाहर गए हैं ज़रा, तो इधर दाल गर्म हो रही है, इधर मेरा प्रेशर चल गया, बस कीमा फ्रीज़र हुआ था ना, तो अभी थोड़ा सा इसको खोल के देखती हूँ, नरम हो गया तो फिर दोबारा प्रेशर लगाती हूँ। तो इधर वो वसीम भाई गए हैं एसी का सामान लेने, ज़रा एसी की गैस चेक करनी है, तो वो लेने गए। इधर लीजा गद्दा बेडशीट चेंज करने लगी है, तो बहुत गर्मी है आज, है ना, आपको नहीं पता चला रात को इतनी बारिश हुई है, पता है? अच्छा, लीजा को नहीं पता, लीजा दवाई खा के सो गई होनी ना, नहीं पता चलिया, अरे भी दवाई खा, मैं भी सो गई थी रात को 11:30-12, मैं भी सो गई थी, सुबह 4:30 भी हुई है, 4:30 का टाइम थी, 4:30 जो नदी लगा थी ना, हाँ जाना तो बाद हुई है, वो भी मैं कल ज़रा जे किसी बदल बुदल है सी, पर महसूस नहीं हो रहा था कि बारिश होएगी, पर आज देखिए बाहर इतनी धूप है ना, ये देखिए बहुत ज़्यादा धूप है, हब हो रही बारिश की वजह से ना, गर्मी होगी, हवा चलती रहे ना तो फिर मौसम सही रहता है, हवा रुक जाती है ना उस वजह से बड़ी हब्स हो जाती है। तो इधर चले हांडी बनाती हूँ, मैं हांडी दिखाती हूँ, फिर जब तैयार हो जाएगी फिर आपको दिखाती हूँ। चले जिधर ये लोग बैठे हुए हैं, आजकल हर गर्मी में लोग तपे हुए हैं, ये क्या हो गया यार, वेला मेरा की होया, हर कोई गर्मी ना तपे आएगा आजकल, वसीम भाई तुसी इतना डर दे भाभी को, जरा जरा उठना, दुख सुन मारना जरा, खबरदार मेरी मंजी ते आई दे, ये देखे वसीम भाई मेरे मुंडे ते क्यों गुस्सा लाई जा रहे हो। चलो किथे टंगी सी चाबी, मैंने आपको मैंने पापा मैंने लाई ना बाइक की चाबी, तो फिर दादी के कमरे किथे पई सी, पापा ने टंगी टंगी लाल काला काला जो मैंने काटी, अच्छा वो तो मेरे कमरे के लिए तो पता नहीं मिलता, आगे मैं है रस्सी बांध रही सी, किते तह रही कोई चीज डिगी सी, मैं हो चाबी होनी फिर पौड़ियां दे बीच, मैं चुकी नहीं, गर्मी लग रही सी, उतें ही होनी है। ये देखिए जी हम छत पे आ गए सारे, नीचे गर्मी के सताए लाइट आ गई है, ऊपर कूलर लगा के बैठ गए, नीचे बड़ी हबस हो रही, ऊपर फिर ये थोड़ा खुले में है ना, थोड़ा ऊपर सही है मौसम, नदीम पी के मुझे भी देना, तो ये अली को दूध चावल खा रहा है, मलाई अपने लिए थी डाल के, तो मैं कहा चलो आधे ये खा लेगा आधे मैंने खा लिया, मैं खाँधी खाँधी मेरे दाढ़ी दर्द शुरू हो गई, मैं छटते हमने कर लिया है सालन अपने लिए गरम, अभी जा रही हूँ ऊपर, यहाँ पे मैंने की है दाल भी गरम की है और आलू कीमा भी किया है, तो अभी इनको लेके चलते हैं, वसीम साहब ऊपर रोटियाँ ले आई हैं तो मैं भी ऊपर जा रही हूँ। इधर जी ये खाना खा रहे हैं, तो ये मुझे मसों की दाल है, ये मेरा आलू कीमा जो मैंने पकाया था, तो इधर बहुत गर्मी हो रही है, ऊपर छत पे भी इस टाइम हब्स हो रही, बदल तो बहुत ज़्यादा आया हुआ है,
पर बारिश होके भी हब्स कर देती है, हवा चले ना साथ तो फिर सही है। इधर अभी फिलहाल हम अभी छत पे बैठे हैं, ये लोग खाना खा रहे हैं, हमने भी लेट नाश्ता किया है, तो अभी ठहर के मैं भी रोटियां मंगाती हूँ बाज़ार से कि गैस नहीं आ रही इतनी, तो बाहर से मंगा के तो फिर रोटी खाएंगे हम नीचे जाके कोई 9 बजे। तेज़ आ रही है पर दिल नहीं कर रहा गर्मी पकाने मेरा। अच्छा तेज़ आ गई, बाज़ार मंगा लेंगे। चले जी, इधर हम सारे बैठे हुए हैं, अली लेटा हुआ, लाइट चली गई है, एसी के आगे बैठे थे एसी चला के, पर साड़ी किस्मत ही ख़राब है, इतनी गर्मी च लाइट चली गई है। ये देखा, ये मैडम ने एसी चलाया सी, असी आके सारे बैठे हैं नाल ही, एसी ने कहा तुसी क्यों आए हो, ते मैं बंद ही होई आना। हाँ हमारी गैस भी चली गई, अभी थोड़ी सी लाइट गई है तो गैस आई है, तो मैंने नदीम को नाश्ता दिया बना के, तो हाँ ऐसे खुला ये देखे ऐसे ही रह गया। तो अभी दोपहर में बारिश हुई है ना हमारे घर बाहर इधर इलाके में, तो हबस हो गई, हवा भी बंद हो गई, घुटन हो गई है। हालांकि जब बारिश हो रही थी नाल हवा चल रही थी ना बारिश के नाल, हूँ हवा भी नहीं हैगी, बंद हो गई है। गर्मी में कुछ नहीं करने को दिल करता, दिल करता बस एसी चला के सुकून ना बह जाइए, पर एसी ने साडा साथ छड्डता। हाँ अभी इनकी गैस कम हो गई थी एसी की, ऊपर से लीक हो गया था, पता नहीं किस तरह लीक हो गया था, तो अभी नदीम ने गैस डाली है, गैस डाल के आधी गैस लीक हो गई थी, अभी गैस डाल के नदीम ने चलाया था, तो हम बैठे थे आगे। हाँ हमने गैस, ये देखे सिलेंडर रखा हुआ है, इसमें खुद ही गैस ला के डाल देते हैं, नदीम खुद ही डाल देता है। 70 हो गई है, 35 घट गई है, चलो दोबारा 70 हो गई, अगले साल इंशाल्लाह, इस साल कर अगले साल फिर मैं वाली अमेरिकन पवाऊंगी, अमेरिकन है ना ये, अगले साल ये डालेंगे। ये देखा हमारा सिलेंडर है, खुद ही हम गैस डाल डूल देते हैं ना, असि आपे गैस पा पू ली थी, एसी चला छड़े आ तो हाँ बस दुआ करे अल्लाह भी साढ़े ते करम करे, थोड़ी गर्मी घटा दे, पाकिस्तान दे बहुत गर्मी हो गई है, पता नहीं कितने सुनना ही नहीं, साड़ी ते सुनना ही नहीं है, लव लव गया गवर्नमेंट एहसास करे ते होर की चाहिदा हैगा, गवर्नमेंट नो एहसास मरे आ। हाँ बह गए और हमें वो जो है सैमा पी ऐसा नवाज आईडी से वो जो बाइट से हमारा ब्लॉग देती हैं, वो कहती हैं कि ना नदीम भाई का ना पेट बहुत बड़ा है, बस उनका ना काम ही बैठने वाला सारा दिन। हाँ सारा दिन बैठने वाला काम है, सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं। हाँ वो तस्वीर में लगता है वो जब वह है इतना नहीं है, हाँ इतना नहीं है वो, कुछ उनका काम ऐसा बैठने वाला, सुबह को जब जाते हैं काम पे तो शाम को 4 बजे आते हैं, 4-5 बज जाते हैं, 2 घंटा आराम करते हैं फिर काम करने लग जाते हैं सारा, आपको कुर्सी पे बैठ के करने वाला काम, वो फिर सारा रात तक करते रहते हैं 4 बजे तक, उसमें फिर पेट वाक हो ना, वाक नहीं होती, वाक हो तो चले फिर पेट वगैरह अंदर हो जाए, पर नहीं पहले नहीं था इतना, ये शादी पे नहीं था इतना, ये अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, साल हो गया पेट वधे, अब तो इतना नहीं था मोटा तोड़, हाँ कोरोना, हाँ कोरोना पे 2-3 महीने घर पे थे ना तब बड़ा था पेट, तो वो कोई बात नहीं, ये मेरे बेटे का भी है ना, अली अली का भी पेट है ना, तो कोई बात नहीं हो जाएगा, मेनू मेरा बंदा इस तरह ही चंगा लगता है, हम दूसरा नहीं चंगा लगता मैं की करा, सारा ढेड ही जा गया, तो ऐसे ही सही लगता है मुझे, ऐसे ही सही लगता है ना, नहीं वैसे सही लगते हैं मुझे, ऐसे ही सही लगता है मुझे, ऐसे ही सही है। चलो फिर छत पे चलते हैं थोड़ा ऊपर ताजी हवा में, कोई शायद तो हवा चलती हो, है चलो चले ऊपर चलते, ऊपर चल के फिर आपसे मिलते हैं। चलिए जी गाइस, यहाँ पे वसीम साहब भी नीचे आ गए हैं, लीजा भी है और मैं भी नीचे आ गई हूँ, और ऊपर तो आज मौसम बहुत ज्यादा खराब है ना, बताना जरा कितना का खराब है, वाई नहीं है, हफ्स हो रही है घुटन है ना, बारिश होके जैसे गुम्मा लग जाता है इस तरह वाला, जैसे वॉशरूम में जाओ और लोटा ना मिले ना वो वाला सा हो जाता है, बंदा अंदर कल्पता ही रहता है, अगर आप वॉशरूम ना जाओ हैं बीच में लोटा ना हो आप सबसे पहले वाश किसको दोगे,
बाहर। तो क्यों, की सी लगा के बाहर आओगे? नहीं नहीं, आप वॉशरूम में, मैं किन में आ जाऊं दसो? घर में जो नर्स जी आएगा मैं कह रहा हूं चलो सही लीजा, देख ले पापा क्या कह रहे हैं। आसमा भी चली गई अपने कमरे में, हम भी इधर आ गए, उन्होंने मोमबत्ती बनवाई है पेट पे। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे आप, आमी आपके दोनों से हम भी ठीक हैं। तो आज एक व्लॉग है कि एंड पे मैं आप सबको वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि बस आज सारा दिन मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने कहा चले अभी मैं व्लॉग एंड करने लगी थी, तो अभी हम नीचे आए थे सोने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे 10:15 हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, ऊपर बैठे थे मगरिब से पहले हम चले गए थे, क्योंकि नीचे ना इधर बारिश हुई थी, लाइट चली गई थी, हाँ लाइट चली गई थी, तो लाइट काफ़ी देर तक बाद आई थी, तो हम ऊपर चले गए, वहाँ बैठे रहे, इतनी गर्मी थी, कूलर भी चलाया हुआ था, थोड़ी देर बाद आ गई थी लाइट फिर ना ऊपर जाने के बाद, तो कूलर चलाया था लेकिन वो भी हब से आ रहा था, ज़रा भी सुकून नहीं था। अब वो वाले दिन आ गए हैं, जैसे बारिश इधर से आती है, इधर से बारिश हट जाती है, साथ ही हब्स हो जाता है, घुटन हो जाती है, उस तरह का मौसम था। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, कल मिलेंगे आपको नए व्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।